ट्रेडर के पास कितने हार्ट्स हैं? 25. ओ भाई साहब. वेट, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो इसको जानने के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे चलना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं नॉर्मली यहाँ पे केव में एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत थी, जैसे कि रेस्टोन और बहुत सारी चीजें. बट यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसी चीज मिली जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था. यहाँ पे एक डेड एंड आ रखा था, तो मैंने यहाँ पे एक पोर्टल देखा जो कि मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा था. यहाँ पे नेदर के ब्लॉक भी यहाँ पे यूज हो रखे थे, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया पहले तो कि ये पोर्टल यहाँ पे कैसे आया. तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर यहाँ पे जाके देखा जाए. पहले मेरे को बहुत डर लग रहा था, बट फाइनली मैं इसके अंदर गया और फिर कुछ ऐसा हुआ. मैं एक यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट यहाँ पे वर्ल्ड में आ चुका था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ. और मेरे यहाँ पे हार्ट देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे 25 हार्ट थे और इसके साथ मेरे यहाँ पे पूरी इन्वेंटरी यहाँ पे खाली हो चुकी थी और मेरा पूरा आर्मर भी मेरे पास नहीं था और मेरे टूल्स भी यहाँ पे मेरे पास नहीं थे. और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि मैं अभी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में था और मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ. तो अभी तो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे कैसे क्या करूँगा. तो थोड़ी देर मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करते क्या जो हमें नॉर्मल यहाँ पे करना चाहिए. सबसे पहले यहाँ पे थोड़े से मैं टूल्स बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे कोई यहाँ पे मारने लग गया तो मैं यहाँ पे कुछ को डिफेंड भी नहीं कर पाऊँगा. तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लकड़ी यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ यहाँ पे कुछ टूल यहाँ पे बना लेते हैं जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं. और मेरे को ये भी पता लगाना है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए और ये क्या मैं यहाँ इस दुनिया में सिर्फ अकेला हूँ. मेरे मन में यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सवाल हैं, उन सब के मेरे को जवाब भी ढूंढना है. तो सबसे पहले कुछ टूल यहाँ पे बना लेते हैं. तो फिलहाल के लिए मैंने अभी पिकैक्स से यहाँ पे बना लिया. अब मेरे को यहाँ पे कुछ फूड चाहिए. भले ही मेरे पास यहाँ पे 25 हार्ट है पर यहाँ पे मेरा हंगर बार देख सकते हैं आप, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे फूड का यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पे मेरे को नॉर्मली इसे पिक को मारना पड़ेगा और मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है अपने टूल्स की. मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से इसे मार पा रहा था क्योंकि नॉर्मली अगर मेरे पास औजार होते हैं तो एक हिट में मैं इन्हें यहाँ पे मार देता हूँ. तो अब मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, देखते हैं कुछ नया मिलता है या नहीं. तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले करने के वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपने लिए यहाँ पे घर बनाने वाला हूँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे मारने आया तो अगर मैं ऐसे रहूँगा तो आराम से मैं मर जाऊँगा. तो सबसे पहले घर बना लेते हैं. तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत करके यहाँ पे घर बना लिया है और ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है. और मैं झूठ नहीं कहना चाहता, ये पहले से इसके मेरे को बहुत सारे सामान यहाँ पे पहले से यहाँ पे रखे हुए थे तो मैंने उसी का यहाँ पे यूज़ कर लिया है. और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो लग ही रहा है बट मैंने इसे थोड़ा नॉर्मली रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाला. मेरे को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है. मेरे को जल्दी से जल्दी अपने वर्ल्ड में जाने के लिए रास्ता ढूंढना है क्योंकि मैं अकेले इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता. तो फिलहाल के लिए मैंने ये घर यहाँ पे बना लिया जो कि काफ़ी सही लग रहा है दिखने में. एक तरह से इसे आप स्टोर भी कह सकते हैं, स्टोर टाइप का इसका लुक आ रहा है अभी तो फिलहाल. बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारा सामान चाहिए और मेरे को इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सामान यहाँ पे कलेक्ट भी करना पड़ेगा. और बाकी इस वर्ल्ड में वाकई काफ़ी सारी चीज़ें अजीब हैं. मैंने एक यहाँ पे केज भी देखा जिसमें एक प्लेयर कैद था बट मेरे पास कोई औजार और टूल नहीं थे और ना ही मेरे पास एक अच्छा आर्मर था, इसलिए मैं उसके पास यहाँ पे नहीं गया. तो फिलहाल उसके लिए मैं सोच रहा हूँ उसके पास भी यहाँ पे जाके देखेंगे कि उसके अंदर कौन है. हो सकता है उसके अंदर कोई विलेजर हो या फिर कोई और यहाँ पे प्लेयर हो सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पे मैं चेक करने जाऊँगा. और उसके साथ ही मेरे को जो जो यहाँ पे समझ में आता है वो सब मैं यहाँ कोशिश करूँगा. जो भी चीज़ मेरे को नई नई चीज़ सीखने को मिल रही है वो सारी यहाँ पे मैं सीख लूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल होने वाली है क्योंकि ये वर्ल्ड वाकई काफ़ी ज़्यादा अजीब है. और मेरे को अपने सवालों का जवाब भी चाहिए जो कि मेरे दिमाग में चल रहे हैं अभी, जैसे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे को यहाँ पे लाया किसने और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ है. तो इन सब बातों को भी मेरे को यहाँ पे जानना है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है. तो सबसे पहले यहाँ पे रिसोर्स कलेक्ट कर लेते हैं. तो उसके बाद मैं दिन से रात तक यहाँ पे माइनिंग करता रहा. मैंने बहुत सारे यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लिए थे बट उसके बाद यहाँ पे अंधेरा होने लगा और मैं यहाँ पे घर के लिए निकल गया. बट जब मैं घर पहुँचा मैं यहाँ पे बिल्कुल ही हैरान हो गया जो मैंने यहाँ पे देखा है. सामने से कोई आ रहा है, सामने से कोई आ रहा है. कौन है वो? कौन है भाई? ओ भाई कोई आ रहा है, ट्रेडर जैसा लग रहा है भाई. हाँ वही. अरे इसके हाथ में देखो, इसका हाथ में देखो, इसकी दुकान है क्या? हाँ भाई कोई हमारा घर है. ये तुमने मेरे घर का क्या हालत कर दी तुमने? ये हमने नहीं किया, तुम्हारी दुकान थी. हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर सब कुछ नहस नहस हो चुका था. हाँ वही, हम नहीं जानते ऐसा ही था ये. आप हो कौन? मैंने इसे बनाया था. और आप हो कौन? हम इस वर्ल्ड में कैसे आए? एक्चुअली मैं दो चार दिन पहले इस वर्ल्ड में आया हूँ और मुझे खुद नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा था बट मैंने बहुत सारी अजीब चीज़ यहाँ पे देखी. जैसे मेरे हार्ट यहाँ पे ज्यादा है और उसके साथ ही मैंने कुछ अलग प्लेट भी देखे थे जो कैद हो रखे हैं. बट तुम सब कैद हो रखे हैं? दोस्त भी तो नहीं है, शो वो शो तो नहीं है कहीं जो कैद हो? हाँ वही ना. क्या कोई तुम्हारा मीटिंग है क्या? हाँ वही, उसका ऐसे ब्लैक ब्लैक से कपड़े हैं, उसके सर पे ताज भी है. देखा है क्या? हाँ वो बाहियात सा एक आवाज भी गंदी सी है. अच्छा तो मैंने नहीं सुनी पर मैं दूर से देख के आगे क्योंकि मेरे पास उस समय कोई औजार नहीं थे
अच्छा तो वो कहाँ पर है? कहाँ पर है वो? मुझे कुछ सुनाई दिया अभी। मैं वहाँ तक लेके तो जाऊँगा, बट उससे पहले तुम्हें क्या लगता है मुझे ट्रेडर क्यों कहते हैं? मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? नहीं सुनो 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 भैया, एक मिनट चुप रहना, एक मिनट सर भैया। एक औकात नाम की चीज होती है, चार बार दिख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 ठीक है? हाँ जिंदा नहीं बचोगे? और उसके हार्ट्स भी तो ज्यादा है ना, एक्स देख रहे हो तुम ये? अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो फिर भाई देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। बट हाँ बचाना है, मैं दोस्त को बचाना है। देखो मेरे पास ये है सिर्फ, ये कुछ ये लकड़ियां हैं। अच्छा इसको डायमंड दे दो ना, तुम्हारे पास एक डायमंड है तो डायमंड। हाँ डायमंड दे दो ना निर्भय भाई। यार मैंने बड़ी मुश्किल से लिया था डायमंड यार। दे दो ना दोस्त, दोस्त कीमती है यार डायमंड। डायमंड में मान जाओगे क्या आप? वैसे तो चलो ठीक है, तुम्हारे लिए अभी यहाँ पे काफी रखता हूँ क्योंकि मेरे को अभी डायमंड की बहुत जरूरत है। लो लो हाँ ठीक है, इसको डायमंड दे दो, डायमंड दे दो ना हमारा। दे दो दे दो, दिखा दो, और उसके साथ में तुम्हारी यहाँ पे हेल्प भी कर दूंगा इसी में। अरे वाह अच्छा ठीक है, तो चलो हमें ले चलो मेरे दोस्त के पास। मेरे आ चुका था कि जिस तरह से यहाँ पे मैं टेलीपोर्ट किया गया हूँ उसी तरह से ये भी यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आए हैं। तो अब मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि इस वर्ल्ड में मैं सिर्फ यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, बट इसके साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्लेयर थे। तो मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मेरे को यहाँ पे मार दे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे हम दो चीज कर सकते हैं, या तो मैं खुद से यहाँ पे रिसोर्स कलेक्ट करूँ या फिर मैं इनसे यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया था अभी। तो इस तरह से मैं आसानी से यहाँ पे पावरफुल बन सकता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही मैंने इनके यहाँ पे वादा किया कि मैं इनके यहाँ पे दोस्त को छुड़ाने में मदद करने वाला हूँ। और इसके साथ ये भी कन्फर्म हो गया कि जो मैंने ओशन में केस देखा था जो कि मैं उस समय यहाँ पे देखने नहीं जा पाया था, उनमें इनका ही दोस्त यहाँ पे कैद है, तो उसको यहाँ पे छुड़ाने हम जाने वाले हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल सीधा चलते हैं और देखते हैं वो कितनी दूर है। तो फाइनली मैं इन सबको लेके वहाँ पे पहुँच चुका था, उस केज के बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके थे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, इनका जो दोस्त था वो कोमा में चला गया था। बट इतने दिन जो मैं यहाँ पे रहा था और मैंने जो जो चीज़ सीखी थी अब वो मेरे यहाँ पे काम आने वाली थी और उसी के थ्रू मैं इसे यहाँ पे ठीक करने वाला था। इलाज कर दो यार मेरा, अगर ये ठीक नहीं हुआ ना, इलाज से पहले इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा। अरे मैं होश में ही हूँ। हो गया। मेरे पास बेबी ओ भाई साहब हो गया। तू यहाँ पे कैद कैसे हो गया? तू कैसे आया यहाँ पे? अरे मेरे को नहीं पता। एक मिनट, ट्रेडर को कैसे पता इसको ठीक कैसे करना है? अरे भाई हाँ वही, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहा हूँ तो मुझे हर चीज यहाँ पे पता है कैसे क्या चीज ठीक होती है। ओके 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 मेरे को ये बोलो अच्छा भाई। माइन सो तुम इधर कैसे आ गए भाई? और तुम्हें जेल में इतने बड़े पिंजरे में जेल, तू मेरे को किसे जानता है भाई? मुझे बताया, अरे ये हमें इस वर्ल्ड में ये भी आ गए थे, मुझे रोहित ने बताया रास्ते में मिले। ये है ना हमारा बहुत पहले से दोस्त है ये मेरा और रोहित का, तो ये हमारे पता नहीं गायब हो गया था थोड़े दिनों से, तो ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया। और शौक ये है ना, ये है स्प्लैश, ये हमारा दोस्त है ना, नया दोस्त बना है, और ये इसकी गर्लफ्रेंड है जो भी मान में घूमने आए थे दोनों, ठीक है यहाँ पे तुम गलत हो। नहीं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको मत मारो, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है। ये क्या हुआ? निकिता ने मार दिया ओ भाई यार, क्या कर रहा है यार? ये रिवाइव हुआ तो मेरा हार्ट कैसे कम हुआ? आपका हार्ट कम हो गया क्या? हाँ मेरे हार्ट कम हो गया, जैसे ही सही हुआ ना मेरा हार्ट कम हो गया और मेरे थोड़ा बहुत सामान भी चला गया भाई। ये कहीं लाइफ स्टाइल तो नहीं है ना? सामान अरे लाइफ स्टाइल नहीं है, लाइफ स्टाइल कहीं है, लाइफ स्टाइल बोल दे क्या होता है। आपका हार्ट गया किसके पास? मुझे नहीं पता किसके पास गया, मेरे पास तो पूरे हार्ट है। लाइफ स्टाइल मतलब क्या होता है? पूरे हार्ट है, लाइफ स्टाइल होता है जैसे मैं तेरे को चाटा मारूंगा ना, हाँ तो फिर तू मर जाएगा, तो तेरा हार्ट है ना मेरे पास आ जाएगा, तेरा एक कम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो भाई? अगर सारे हार्ट खत्म हो गए तो फिर मर जाएंगे हम हमेशा के लिए, गोस्ट बन जाओगे, भूत भाई, बहुत संभालना पड़ेगा फिर तो। वही ना, ये क्या जगह, ये कहाँ फंस गया बन? ए देखो पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ कोई झगड़ा नहीं करेगा, तो वो तलवार वो हाथ में पिकैक्स है ना वो बाजू में कर दो पहली बात तो, ठीक है? ओके 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 मैं तुम्हारे साथ हूँ गाइस अभी। अच्छा सुनो, ये ट्रेडर तुम्हारे कितने हार्ट है? ट्रेडर तुम्हारे कितने हार्ट है? मेरे पास
24 है क्योंकि अभी मैं तुम्हारी मदद किस कारण मेरा एक हार्ट कम हो गया है। जब जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तब मेरा एक हार्ट कम हो जाता है। अच्छा ऐसा भी होता है? पहले यहाँ पे होना, बट अभी यहाँ से निकलते हैं पहले, बाकी बात बाहर करते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमारे से ज्यादा पावरफुल है क्या? आप बोलिए बोलिए। पहले तो गाइस हम सब ने मिलकर यहाँ पे माइंसो को तो यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया था, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी जो की थी यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे शक कर रहा था, जैसे कि इन सबको मेरे पे शक था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ट थे और मुझे भी ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे पास ये कैसे थे, बट इसी के साथ ये सब मेरे पे शक कर रहे हैं और इसीलिए मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल बनना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो मैं उसके लिए यहाँ पे ग्राइंड करूँगा या फिर मेरे पास और भी रास्ते हैं जो कि यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। बट इन सबसे मेरे को ये चीज़ पता चल चुकी थी कि अब हमें इस वर्ल्ड में यहाँ पे सर्वाइव करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है मुझे किस पे भरोसा भी करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। अरे निर्भय भाई मैं क्या बोल रहा था, इधर तो आ गए हम लोग, ये क्या है भाई? ये किसने अरे ये जो ये ना ट्रेडर ये मेरा ये दिखा, ये खड़ा हुआ है, इसने ना हमारे को बताया था, मतलब इसका घर है ये, तो यही हमारे को आके बताया था कि तू वहाँ पे कह दे, तो यही हमारे को लेके आया था, बस थोड़ा ऐसे वो है पैसे खाता है सोला। अच्छा ट्रेडर है ना, कीमत है भाई। वही 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 ट्रेडर है ना अभी भैया, पता नहीं अपन को यहाँ पे क्या करना है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और अपने मेरे हार्ट क्यों कम हो गए तेरे को बचाने के चक्कर में यार? अरे मेरे तो वैसे के वैसे ही हार्ट्स भाई, नहीं कम हो गए यार। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने इतने दिन यहाँ पे रहने के बाद मुझे एक पूरी चीज यहाँ पे अब समझ में आ चुकी है। जैसे कि हम सबको पता चल चुका है सबकी कहानी से कि हम यहाँ पे टेलीपोर्ट किए गए हैं दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में थे, तो अब मेरे लगता है शायद हमें अब ऐसे यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा तब तक जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिल जाता। और जैसे कि निर्भय भाई ने हमें बताया इनका हार्ट चला गया था मरने के बाद, तो शायद ये एक लाइफ स्टाइल है, तो हमें एक दूसरे से संभल के रहना पड़ेगा, बाकी अभी देखते हैं। मतलब कोई भी किसी का हार्ट चुरा सकता है? हाँ, तो अगर तुम किसी के साथ रहना चाहते हो तो भाई वो सीन हो जाएगा, तो दूसरे पे उसका हार्ट चले जाएगा। मतलब कोई भी किसी को मारने के बाद उसका हार्ट अपने अपने को अपने पास आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, और उसकी लाइफ कम हो जाएगी, लेकिन उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसका हार्ट कम हो जाएगा, तो इसीलिए संभल के रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अपने सब तो दोस्त है तो कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। हाँ वैसे तो दोस्त है ना। अरे वैसे में रोहित भाई को और निर्भय भाई को हम थोड़ी मारेंगे, हम तो बिना मारेंगे, हम तो दोस्त हैं। मैं तो किसी को नहीं जानती, हम दोस्त हैं। अरे वो जान जाएगी, जान जाओगी, सबको जान जाओगी, मत जाना दोस्त हमारे। वैसे वैसे आपके पास इतने सारे हार्ट कैसे आए? हाँ क्या बोल रहे हो, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तभी से हार्ट मेरे पास है। अच्छा ट्रेडर के पास कितने हार्ट से? 25। ओ भाई साहब 24। अब तुम्हें बता यार, मुझे पता है कुछ गड़बड़ लग रही है, इतनी जल्दी तुमने 24 हार्ट्स कैसे बना लिए? तुम तो 5 दिन पहले आए हो। अरे वो बोल तो रहा है कि उसको पता नहीं, वो जब स्पॉन हुआ था तभी उसके साथ ऐसा हुआ था। हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? मुझे ये बिल्कुल पहले आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रेडर छुपा रहा है कुछ तो। हाँ ऐसा लग अगर मुझे छुपाना होता तो मैं तुम सबको मार के यहाँ से बच सकता था, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो। जी बात भी है, तो इसीलिए मेरे पे शक करने का कोई फायदा नहीं तुम्हारा, चुप हो जा। थैंक यू यार ट्रेडर, तुमने हमारे दोस्त को बचाया। थैंक यू ट्रेडर, थैंक यू। हम दोनों के साथ अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे हम लोग यहाँ पे, सब कुछ तो ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना, जिस पे तुम भरोसा कर रहे हो वो तुम्हारे दिल के लिए हो सकता है, तो संभल के रहना बस। तो इन सब की बातों से मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि मेरे पर किसी को भी भरोसा नहीं है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन सब से संभल के रहना पड़ेगा। बट इसके साथ ही एक लाइफ स्टाइल SMP है, जिससे भी अगर मैं किसी को मारता हूँ तो उसका हार्ट मेरे पे आ जाएगा, और अगर कोई मेरे को मारता है तो मेरा हार्ट उस पर चले जाएगा। तो पावरफुल बनने के लिए मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही रास्ता बचा है,